को देशवासियों को नववर्ष की शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। 2019 नौजवानों के लिए नए रोजगार के साधन लेके आए। किसान खुशहाल राजस्थान हो, खुशहाल किसान हो, जिन मुद्दों को लेके हमने जन आंदोलन किया उन पे हम अड़ी गए हमारी बात पे। और विधानसभा के जब सत्र चलेगा तो संपूर्ण कर्ज माफी, टोल मुक्त राजस्थान, मुफ्त बिजली, बेरोजगारी भत्ता जो 3500 रुपये सरकार ने घोषणा पत्र के अंदर रखा है, और जितने भी वादे हमने किए जिनको लेके आरएलपी नए रूप में राजस्थान के अंदर आई, मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों का, किसानों का, कि 57 सीटों पे 29 अक्टूबर को पार्टी का गठन हुआ और 19 नवंबर को चुनाव फार्म भरने की अंतिम तारीख तक 20 दिनों में 57 सीटों पर हमने उम्मीदवार खड़े किए। कई जगहों पे हमें समय कम मिला, लेकिन हमने दोनों पार्टियों को मजबूर कर दिया कि जो दोनों पार्टियां 2 महीने पहले कैंडिडेट घोषित करने की बात कर रही थी वो एन वक्त तक अपने उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई। राजस्थान के जवानों के जोश के आगे दोनों पार्टियां डर गई, और जो कांग्रेस 160 का दम भर रही थी वो कांग्रेस 99 और 100 पे अटक गई, और कांग्रेस वेंटिलेटर पे चली गई, वसुंधरा सात समंदर पार चली गई। और ये हमारी हमारे संघर्ष का हुंकार, रैलियों का ही परिणाम है कि सरकार ने कर्ज माफी की, 2 लाख तक के कर्ज माफी की बात करी, लेकिन हमारी मांग संपूर्ण कर्जा माफी राजस्थान के किसानों की हो। हम दिल्ली कूच करेंगे अगर आवश्यकता पड़ी। मैं धन्यवाद दूंगा किसान के बेटों का, हमारे छात्र युवा और किसानों का, कि 2018 के अंदर, 2017 के अंदर और 16 के अंदर आपने जबरदस्त जन सहयोग मुझे सड़कों पर आंदोलनों के अंदर दिया, राजस्थान की विधानसभा के अंदर जब जनहित के मुद्दों पर मुझे निलंबित किया तब भी किसान के बेटे बाहर सड़कों पर आंदोलन कर रहे थे, और उसी के परिणाम स्वरूप सरकार ने मुझे वापस विधानसभा के अंदर निलंबन के बाद बहाली की। मैं विपक्षी भूमिका निभा रहा था, कांग्रेस सोई हुई थी, कांग्रेस राज करने के लिए लड़ रही है, और हम जन आंदोलन के माध्यम से राजस्थान के जवान किसानों को उनका हक और अधिकार दिलाने की जंग लड़ रहे हैं। जिस तरह भगत सिंह ने भूमिका निभाई थी, उसी तरह हनुमान बेनीवाल और आरएलपी के कार्यकर्ताओं ने भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ाई लड़ी। मैं धन्यवाद दूंगा किसान के बेटों का कि हर मोड़ पे आपने मेरा साथ दिया। इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूं कि नए साल के अंदर भी आपके लिए रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर मिले, आपका लक्ष्य प्राप्त हो, और अपन लोकसभा चुनाव के अंदर भी आरएलपी राजस्थान के अंदर चुनाव लड़ेगी, नए जवानों को मौका देंगे। जिस तरह इस बार यूनिवर्सिटी कॉलेज के छात्र छात्राओं को चुनाव लड़ने का मौका दिया, लोकसभा के अंदर भी किसान के बेटों का, दलित मुसलमान सबको साथ लेके राजस्थान की 25 सीटों पर आरएलपी मजबूती के साथ लड़ेगी, और हम दिल्ली कूच करेंगे। उसके बाद आवश्यकता पड़ी तो हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश और पंजाब और दिल्ली के अंदर भी आरएलपी के उम्मीदवार चुनाव लड़ सकते हैं। राजस्थान और देश के जो जवानों ने मेरा सहयोग सोशल मीडिया के माध्यम से, रैलियों के माध्यम से और व्यक्तिगत तौर पे भी जो जहां जहां मोर्चा इन्होंने संभाला, इसके लिए मैं समस्त मेरे छोटे भाइयों का आभार प्रकट करता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। और इस बार आपने सामंती राज को राजस्थान के अंदर खत्म कर दिया। गलती से वही अशोक गहलोत वापिस आ गया जिसने वसुंधरा की हमेशा मदद की, लेकिन आप चिंता नहीं करें, हनुमान बेनीवाल विधानसभा के अंदर है, पहले अकेला ही लड़ रहा था, अब 3 के साथ में आया हूं, कुछ लोग और साथ होंगे, हम मिलके नए साल के अंदर राजस्थान में परिवर्तन का जो बिगुल बजाया वो राजस्थान में जब तक परिवर्तन नहीं होगा आपके हकों के लिए लड़ते रहेंगे। 2019 मेरे भाइयों के लिए, किसान के बेटों के लिए, किसानों के लिए और समस्त राजस्थान वासियों के लिए शुभ हो। मैं शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं, आपके सपनों का राजस्थान लाएंगे, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। हम जब तक लड़ेंगे जब तक कानून का राज राजस्थान के अंदर नहीं आ जाता, जब तक आपको आपका हक और अधिकार नहीं मिल जाता, क्यों सरकार विधायक अपने निजी स्वार्थ हितों को त्याग कर राजस्थान को बचाने की लड़ाई उसी तरह लड़ेगा जिस तरह तांत्या टोपर भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी। नव वर्ष सबके लिए बहुत शुभ हो। नव वर्ष की पूर्व संध्या पर मैं मेरी तरफ से, आरएलपी पार्टी की तरफ से समस्त राजस्थान वासियों को, देशवासियों को हृदय से शुभकामनाएं प्रकट करता हूं। आप आगे बढ़ो, नौजवानों को रोजगार के साधन मिले, किसान ऋण मुक्त किसान हो, देश का प्रदेश का नदी नाले जुड़े, और एक जिस तरह का भारत हमें चाहिए वो भारत आप सबको मिले, वो राजस्थान मिले। ये मैं नव वर्ष की पूर्व संध्या पर पूरे प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद भी देता हूँ कि आपने कठिन परिस्थितियों के अंदर हनुमान बेनीवाल का 18 के अंदर 17 के अंदर साथ दिया, आगे भी साथ देते रहोगे, क्योंकि मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मैं मंत्री पद के लिए नहीं लड़ रहा हूँ, मैं किसान के बेटे को राजस्थान का मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। मेरी जंग जारी रहेगी।